और तेजा मानते हो ना पप्पी भाई का भेजा। अरे लेफ्ट हैंड से जो हार तो मैंने साफ किया, राइट हैंड को भी पता नहीं चला। हम लोग हंस क्यों रहे हैं? फिर से यादी सांस कम लेता है, भूलता जाना है। इसकी भूलने की बीमारी से मुझे प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। पप्पी बॉस, हम लोग हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने महारानी का हार चोरी किया है। अंडरस्टैंड? हार क्यों चुराया? हाँ, क्योंकि हम लोग चोर हैं। चोर? हाँ, देखने एक दिन एक नंबर का चोर बन के दिखाऊंगा, दुनिया याद रखेगी मुझे। खुद याद रख ले, वही बड़ी बात है। और एक जरूरी बात, महारानी का हार जिसके घर में है उसका लुक फंकी था और उसका चेहरा संकी था। अभिवास, आज अब छार। मैं तो बादल हूँ जो छा जाऊंगा। सच बॉस, बट आज मेरी माँ जिंदा होती तो खुशी से मर जाती, क्योंकि जिस आदमी का आप स्केच बनवा रहे हो, SKTDS स्केच, उसके घर में महारानी का हार है। तो फिर ढूंढ निकालेंगे उस आदमी को भी, उस हार को भी। क्यों पराग? समझी जी, एक जरूरी बात तो कहने में भूल ही गया, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। वो पान पराग नहीं, वो स्केच आर्टिस्ट पराग है। स्केच हो गया? स्केच तो हो गया, लेकिन ये दिखा मेरे को यार। वाह मेरे पराग हुसैन, क्या बनाया तूने? यही है पक्का, पक्का यही है, 100% यही है। माय गॉड, तू इंसान नहीं, इंसान नहीं, फरिश्ता है, क्या के फरिश्ता है। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। पीयूसी प्लीज, मैं नहीं दिखाऊंगा। पप्पी बॉस शो, तुझे आई द गो। ये आमिर खान है, वो भी गजनी वाला। तो मैंने कब कहा ये चक दे का सलमान खान है बे? चकदे में शाहरुख था, इसकी स्केच क्यों बनवा दी? अरे यार, मैं कल DVD पे गजनी देख रहा था यार, वही दिमाग में फीड हो गया। कमाल की पिक्चर थी यार वो। बहका मैं, अरे बहकेगा नहीं तो और क्या यार, हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। ऐसा कभी होता है क्या यार? तूने कभी देखा है जो आदमी बार बार भूलता हो? भूला है क्या? नहीं यार, और उसमें एक सीन, एक आदमी को 10-10 आदमी पकड़े हुए, ऐसे कमाल की पिक्चर। ये पूरी बॉडी बनाई हुई है, छह पैक, ऊपर से दो मांग, इधर लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ है। अबे आदमी है क्या? नोटिस बोर्ड और हाथ में कैमरा, फोटो खींच रहा है। ये ना समझा क्या मेरे को?